चलो देखते हैं क्या क्या रेट में मिलता है। चलो भैया अभी टमाटर लेने के लिए आ चुके हैं और ये देखिए ये वाला टमाटर रखे टमाटर का क्वालिटी हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 8:30 और आज मैं जा रहा हूँ भाई सब्जी खरीदने के लिए। चंदू भैया के साथ जाऊँगा और उन्हीं के साथ मार्केट भी जाऊँगा फिर सेल करने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ अब रिटेल में सब्जी बेचना चालू करूँगा तो वही जगह वगैरह देख के आऊँगा और थोड़ा उनके साथ जाऊँगा तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा फिर किस प्रकार से सब्जी को सेल करते हैं। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं तखतपुर मार्केट सब्जी खरीदने के लिए। चंदू भैया पहुंच गए हैं अब मैं भी जा रहा हूं भाई। चलो भाई मार्केट तो पहुंच चुके हैं और ये देखिए गाड़ी को साइड में लगा दिया है। इधर चंदू भैया का भी गाड़ी रखा हुआ है भाई लेकिन चंदू भैया पता नहीं है अभी सब्जी लेने चले गए हैं लग रहा है मार्केट साइड। अब कॉल कर लेता हूँ कहाँ पे है उसको। चलो भाई मार्केट साइड से घूमते घूमते चलते हैं चंदू भैया कहाँ पे है पता चल गया है। शुरुआती एरिया से दिखाता हूँ क्या क्या सब्जियाँ रखा हुआ है। मक्का ज़्यादा आया हुआ है भाई देखिए इधर पहले गाड़ी पार्किंग था अब मक्का वाला बाजार लगने लग गया है भाई देखिए लाइन से मक्का रखा हुआ है बहुत ज़्यादा मक्का आने स्टार्ट हो चुका है। इस साइड भी रखा हुआ है दोनों साइड इधर पहले सब्जी नहीं लगता था गाड़ी वाड़ी पार्किंग था अब पूरा मक्का आ रहा है देखो बहुत ज़्यादा मक्का आने लग गया है। और इस साइड सब्जी वब्जी रखा है लग रहा है शुरुआती एरिया में मक्का का एरिया है हमें इस साइड जाना है यार। कमीशन साइड हूँ बोल रहे हैं चंदू भैया तो कमीशन इसी साइड है तो इसी साइड जा रहे हैं फिर बाद में घुमाऊँगा साइड किसान मार्केट को किस प्रकार से सब्जी आया वो देखेंगे। इससे पहले देखो भाई तगड़ा स्किचक ये देखो चंदू भैया मिल गए। और भाई क्या हाल चाल है भैया। एक नंबर यार बहुत दिन बाद मार्केट आया हूँ मस्त खुशी हो रहा है। अरे क्या क्या सब्जी ले लिए थे क्या क्या रेट में मिला। मूंगा मिला है अपने को 50 रुपए और खेक्सा मिला है 65 रुपए। 65 रुपए 80 रुपए बेचोगे। 80 रुपए। चलो भाई चलते हैं चंदू भैया के साथ घूमेंगे देखते हैं क्या क्या सब्जियाँ लेते हैं। ये देखो ऑटो रखा हुआ है इनका सुनील भैया का है ऑटो इसी में ले जाएंगे भर के। ये खेक्सा आप ही लिए हो क्या। वही खेक्सा है भाई। ये देखो वही खेक्सा 65 रुपए किलो 80 रुपए बिकना चाहिए कम से कम। और ये मुनगा हाँ मुनगा है 50 रुपए किलो का 50 किलो। एक बोरा ले लिए बिक जाएगा यार एक बोरा आराम से बिक जाएगा यार सब्जी नहीं है मार्केट में बिकेगा भाई। ये कमीशन वाला है। हाँ कमीशन वाला है किसान के पास कहाँ आएगा अभी। हाँ किसान के पास नहीं आया। और क्या क्या लेना है और देखते हैं करेला वगैरह करेला और एक टमाटर करेला और टमाटर। टमाटर तो महंगा हो गया है क्या ना भाई। यार टमाटर भारत महंगा 1800 बोल रहे हैं यहाँ भी 1800। अब देखते हैं। चलो भाई अभी फिर से सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं इस बार टमाटर लेने जा रहे हैं। पता नहीं टमाटर भी दे सकते हैं टमाटर भी देख सकते हैं और करेली भी। चलो देखते हैं क्या क्या रेट में मिलता है। ये देखो करेली तो रखा हुआ है मस्त बड़ा बड़ा और ये खीरा है लेकिन नहीं ले रहे हैं भाई चंदू भैया आगे जा रहे हैं। इस साइड तो पूरा कमीशन रहता था यार कैसे खाली हो गया। कमीशन रहता था इस साइड कैसे कीचड़ के कारण पूरा यहाँ पे सब्जी रहता था वहाँ पे अब सब कमीशन वाले लोग भी शुरू साइड लगाने लग गए हैं कोई कीचड़ के कारण। चलो भैया अभी टमाटर लेने के लिए आ चुके हैं और ये देखिए ये वाला टमाटर रखे हैं क्या रेट पड़ रहा है फिर। इसका भी रेट नहीं है यार पता नहीं क्या रेट जो रेट लगेगा वो रेट लगेगा ऐसे बोल रहे हैं भाई लोग। अभी नहीं खुला है रेट नहीं खुला है मेरे लोग बोले हैं कि 100 रुपए 80 रुपए 90 रुपए तक में देगा मोबाइल में पूछो उसको नहीं पता भाई इसका भी रेट टमाटर का क्वालिटी बंदा भी दिखा दे मस्त रेट टमाटर का बंदा भी आए
चले ठीक है कि नहीं क्वालिटी ठीक तो लग रहा है मेरे को भी सही लग रहा है लेकिन एक आध दो में ऐसा दागी आ गया है काला काला अब एक आध किलो निकल सकता है खराब कौन सा वैरायटी का बंधा है पूछ के ये बंधा देखो भाई रोटी जैसा दिख रहा है यार गोल बंधा देखा था लंबा बंधा देखा था आज ये चपटा बंधा देख लिया भाई ऐसा लग रहा है कि इस बंधे के ऊपर कोई बैठ गया कौन भैया बैठ थोड़ी गया इसके ऊपर बैठ गया था बहुत बंधा को चपटा बंधा कर दियो यार चले तो लेके चलते इसको चलो भाई ऑटो के पास ले चलते हैं टमाटर को ये देखो भाई चंदू भैया ले जा रहे हैं टमाटर को बहुत मेहनत लगता है भाई व्यापारी लोगों को भी लेकिन किसान से कम ही मेहनत है टमाटर को ले आए हैं गाड़ी के पास ये देखो भैया डाल रहे हैं अंदर में टमाटर बहुत महंगा है भैया एक टमाटर बहुत कीमती है अभी एक समय में 2-3 रुपए किलो था 40-50 रुपए के रेट सब कभी दिन आता है भाई टमाटर कभी दिन आ चुका है टमाटर को छोड़ने के बाद अभी करेला देखने के लिए आ चुके हैं ये देखो पिकअप के ऊपर एक आध दो किलो निकल जाएगा क्या ये देखो पूरा करेला का क्वालिटी सही नहीं लगा तो अभी दूसरी जगह जा रहे हैं फिर से वहीं पे आ चुके हैं शुरू में यही पे आए थे वो भी करेला बिक गया एक पन्नी बस था अभी गाइस किसान मार्केट साइड आए हैं और इस साइड भी उतना ज़्यादा सब्जी नहीं दिख रहा है भाई ये देखो पब्लिक बस है सब्जी नहीं है एक आध दो रखा हुआ है बाकी कुछ नहीं सब्जियों का लगभग बहुत प्राइस है भाई 40 रुपए से ऊपर ही चल रहा है ना भैया 40 रुपए से ऊपर चल रहा है सभी सब्जियों का प्राइस और यहाँ ना जितने दिन है भुट्टा वाले हैं वो सब ऐसा व्यापारी है ऐसा लग रहा है फार्मर कोई लग नहीं रहा ये देखिए भैया मक्का वाले व्यापारी साइड आ चुके हैं बहुत ज्यादा महंगा प्राइस है सब्जियों का अभी डोड़का के पास आ चुके हैं ये देखो किसान खाली कर रहे हैं यहाँ पे लेंगे यार 26 रुपए मांग दिए हैं चंदू भैया वो 28 रुपए बोल रहे हैं किसान ये देखो वो खाली याद नहीं जाएगा का सही नहीं जाएगा मैं दुकान के मेल पर लेकर थे भाई ने 20-22 मांगा था मैं 26 रुपए से मैं कैसे वो नहीं देते का चल ले 26 रुपए लेगा तो लाम को चलो भाई हो गया 26 रुपए में सब्जी बताओ कैसे चल ले जो ही मैं गत्ता मांगा थे 15 किलो भाई देख ले दादा 15 किलो आए 15-26 बना दे सर तुमरा का फायदा था रोज वीडियो बनाता था मार्केट में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ था बाहर पहले 20 रुपए रही समय अभी 26 हो गए उतार चढ़ाव नहीं हुआ ये देख सो भाई ये अपना बिल 390 रुपए का बना है 15 की जांच में अभी ले चलते हैं पैसा दे दे रहा हूँ पहले यार उनको एक वैरायटी और ऐड हो गया भाई अभी ऑटो के पास ले आए हैं डोड़का को और 16 में ट्रांसफर कर दिए हैं भाई देखिए ढक रहे हैं इसको चंदू भैया खराब मत हो जाए ऐसा करके इसको बहुत बच्चे की तरह संभाल के ले जाना पड़ता है और झोला में खराब होने का डर रहता ही है यार कैरेट में ज़्यादा सेफ रहता है अरे झोला आनंद भाई का ही झोला है यार दो तीन महीना पहले उसी टाइम का था भाई और कुछ लेना है यार और कुछ क्या लिया जाए सोच रहा हूँ क्या लो देखते हैं मन पड़ेगा लेंगे नहीं तो अब चलेंगे इसको वापस करना पहले फार्मर्स का चलो भाई देखते हैं आगे और क्या होता है मार्केट में मज़ा आएगा यार कैसा टाइप का लग रहा है मैं पहली बार जाऊंगा तो मुझे कैसा टाइप का लगेगा पता नहीं है फाइनली गाइस सभी सब्जियां लगभग खरीद लिए हैं 2-4 सब्जियां खरीदे हैं कौन कौन सी खरीदे हैं टमाटर और डोड़का 4 वैरायटी है भाई अब आज मैं जाऊंगा देखूंगा भाई किस प्रकार से सब्जियां बिकता है क्या रेट में बिक पाता है प्रॉफिट निकलता है या नहीं वो देखना जरूरी है देखेंगे और ये देखो हिमांशु भाई भी आ चुके हैं हम तो भटकते आदमी चले तो यार
चलो अभी गाड़ी पिकअप कर लेते हैं। मुंगा को ना मुंगा को बंडल बांधना पड़ेगा इसमें बाइक में। ये देखो चंदू भैया की बाइक है, इसको बंडल बांधेंगे, जूरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसी जूरी में बिकता है आसानी से बिकता है, नहीं तो ऐसे में एकट ठोक ग्राहक जो छटिंग कर करके पूरा उसकी खराब कर देते हैं, खराब कर देते, मतलब दो चार किलो ऐसे ही निकल जाएगा भाई खराब। तो उसको जूरी बांध देते हैं ना, तो ये कि आदमी को उसको लेना ही पड़ेगा 20 रुपये जूरी के हिसाब से, 30 रुपये जो भी उसका रेट रहेगा वो जूरी में आदमी लेगा ही। तो ऐसे में क्या छाटने के बाद ना वो जो थोड़ा मोटा पतला पतला आदमी छाट के ले जाता है, मोटा पीस पूरा छूट जाता है। चलो भाई तो इसको लोड कर लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद घर निकलेंगे। अभी घर आ चुका हूँ दोस्तों, अब जा रहा हूँ भाई नहाने के लिए। अभी बच गए हैं दोस्तों 2:30 और अभी अपना टाइम हो चुका है भाई रिटेल सब्जी मार्केट जाने का, साप्ताहिक बाज़ार जहाँ चंदू भैया जाते हैं। और अभी भैया मेरे को कॉल किए थे, तो अब मैं भी जा रहा हूँ भाई मार्केट, देखते हैं यार कैसा रहता है माहौल और कितने का होता है वो टोटल सब्जियाँ, अब बिकने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। मैं पहली बार जा रहा हूँ यार ऐसे रिटेल में सब्जी बेचने, कितना प्रॉफिट हुआ है, कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस, अगले ब्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों।